अहमदपुर शर्किया से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली, खुशी मोहम्मद टाउन की सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गटर उबल पड़े और सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर शर्किया का इलाका खुशी मोहम्मद टाउन में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से आए दिन गटर उबल पड़ते हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिससे आने और जाने वाले मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। और इस दौरान इलाके के मकीनों अब्दुल लतीफ खरवाला, एडवोकेट अयाज खान बलोच, चौधरी फरहान, अल्ताफ अब्दुल सत्तार मुगल, मोहम्मद बाबर खान, राशिद जोया और दीगर ने एहतजाज करते हुए सहाफ़ियों को बताया कि आए दिन सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर निकल आता है, जिसकी वजह से हम मस्जिद तक नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। गंदगी, ताफुन और बदबू की वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा मंडला रहा है। इनका कहना था कि ये म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से सब कुछ हो रहा है। बादजां सीनियर कानूनदान सुहेल महमूद अफगानी ने कहा कि अगर सीवरेज सिस्टम ठीक ना किया गया तो असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर जप्पा और असिस्टेंट कमिश्नर फैसल अहमद से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालबा किया है।